Yes, welcome to my mommy's channel. And before that, happy Raja to each and everyone. So आज बन रहा है राजा का जो स्पेशल है पोड़ो पिठा. तो आज उसका रेसिपी मम्मी आपको देगी. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल. सो लेट्स गो, देखते हैं कैसा बन रहा है. सो और यह है भिजा हुआ अरुआ चावल. उसको मैंने 7-8 घंटा पहले उसको भिजा दिया था और अच्छे से वॉश कर दिया. और यह है कट्टा हुआ नारियल और यह है ग्रेटेड नारियल. और यह है ब्लैक पेपर का पाउडर. और यह है तेजपत्ता, उसको मैंने कटिंग कर दिया क्योंकि. और यह है जागरी जिसको गुड़ बोला जाता है. और उसके लिए आपको एक चाहिए पैन. पान के जी अरुआ चावल. और यह है जागरी 750 ग्राम. सो गाइस, ये है जो चावल है 1 kg. एंड उसके लिए जो गुड़ है 750 ग्राम गुड़ मम्मी ने लिया हुआ है. और इसको भी ग्राइंड करेगी. सो गाइस, वो चावल जो है वो ग्राइंड हो चुका है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है. सो अभी मम्मी उसमें ऐड करी है नमक, सॉल्ट, जागरी है जो गुड़ है अभी वही ऐड कर रही है. मसाला ऐड कर देंगे. जो तेज पत्ता ऐड कर दिया है मैंने. और यह थोड़ा सा तेल क्योंकि देंगे और नहीं चिपकेंगे. उसको मिक्स कर देंगे. सभी मम्मी गैस ऑन की एंड जो हमारा मिक्सर था अभी उसको गैस पे डाल. ऐसे करके चलाते रहना है और कुछ ऐसे दिख रहा है. चलाते रहना इसी तरह इस टाइप का. सो गाइस, एक देखो ऐसा हो चुका है, थोड़ा सा थिक हो गया बैटर. और उसको इसी टाइप का चलाते रहना क्यों बंद हो जाएंगे तो जो डो का वो अच्छी तरह से नहीं होगा. सो गाइस, ये हो चुका है और अभी हम गैस बंद कर देंगे. गैस बंद कर देंगे. एंड ये जो डो है फ्रेश लिया है और उसमें मम्मी एक कप पानी ऐड करी. अच्छा, आधा कप पानी ले रही है. और इसमें ये जो पत्ता है उसमें डाल लेंगे. उसको जल ना जाए. जो बैटर था उसको भी इसमें ऐड कर देना है. गाइस, ये प्रॉब्ली सेट हो चुका है और अभी इसको ढक्कन दे देंगे. गैस ऑन करेंगे और उसको हम इसको कितना मिनट. नहीं नहीं, पहले हम हाई फ्लेम में देंगे. वो जब गर्म हो जाएगा और सीटी उतार देंगे उनको. तो ये गर्म हो गया. अब मम्मी इसका जो सीटी है वो उतार दी एंड इसको लो फ्लेम कर दिया. और आधा घंटा रखना. अच्छा, तो आधा घंटा उसको रखना एंड थोड़ा लो फ्लेम में. और उसका जो सीटी है वो निकाल देना. सो गाइस, मिलते हैं आधे घंटे के बाद.
सो गाइज रेडी हो गया हमारा रोजो का स्पेशल पोड़ो पिठा एंड ये देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है और है, वो नीचे वाला भी अच्छा हाँ नीचे वाला भी जला नहीं है और ये कुछ ऐसे दिख रहा है। अभी मम्मी इसको कट करी है। तो मैं अभी एक टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ बट अभी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी। मैं ट्राई करके बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है और इसके अंदर जो कोकोनट का है उसका भी फ्लेवर आ रहा है और बहुत ज़्यादा यमी है। सही से तो मम्मी ने कैसा कट करके रखा है एंड इसको आज रोजे में ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है और ट्रेडिशनल भी है। बढ़िया, आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। एंड पहली जगन्नाथ जी के पास भोग लगाया जाता है ये प्रसाद और आप ये जो रोजा में इसका ये स्पेशलिटी है तो फिर इसको आप घर में ज़रूर ट्राई करना। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।